इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब। सर, स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी यूपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि आजमगढ़ कभी ऋषियों की जो है धरती हुआ करती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी शासन में आतंक का अड्डा बन गया। ना तो आतंक का अड्डा बना था, और अगर कोई केस हुआ था तो पकड़े गए थे, उनको सजा दी गई थी। लेकिन इस वक्त वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर है, किसी की जानो माल की हिफाजत नहीं की जा रही है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि क्योस है, एक डिक्टेटरशिप है, जनतंत्र लोकतंत्र की पूरी पूरी हत्या हुई है। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा कि अब जब से योगी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, अब वहाँ से शिक्षित और पढ़े लिखे हुए लोग निकलेंगे, और समाजवादी पार्टी सरकार में जो कुछ हो रहा था अब वो नहीं होगा। पहले क्या कभी आजमगढ़ से पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं निकले? बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं, और देश की खिदमत करी है, सेवाएं करी है। अगर एक आध कोई वाकया ऐसा हो गया है तो ऐसे दिल्ली में भी हो गया और जगह जगह हो गया, कहाँ नहीं हुआ। और ये तो जिम्मेदारियाँ सरकार की हैं। यानी साफ तौर पर स्वतंत्र देव सिंह के बयान का खंडन करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन, अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।